हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग दीवाने पर, और आज हम आपको उत्तराखंड का एक ऐसा पर्यटन स्थल कनाताल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसके व्यू पॉइंट आपका मन मोह लेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको उत्तराखंड के सभी टूरिस्ट स्थानों की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। कनाताल उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में से एक है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और कनाताल की पहचान यहाँ के खूबसूरत फूलों के बगीचे, सेब के पेड़ और हसीन वादियों से होती है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे कनाताल गांव आकर आपको अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ दुनिया भर की समस्याओं से बेखबर आप शांति से अपना समय बिता सकते हैं, चाहे दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो या फिर पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो, कनाताल आपको एक अलग ही अनुभव देगा। यहाँ पर आपको पहाड़ों के सिनेमैटिक व्यू देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन हैं तो कनाताल आपके लिए ही है। कनाताल में आप स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉक, वैली क्रॉसिंग, ट्रैकिंग, रैम्पलिंग और रॉक क्लाइंबिंग आदि एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। कनाताल इतना खूबसूरत है कि आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे वही आपके लिए एक प्यारा व्यू पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ ऐसे व्यू पॉइंट या फिर कहें कि कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर घूमा कहाँ कहाँ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड़िया जंगल की, जो कि कनाताल का एक बहुत ही प्रसिद्ध 6 किलोमीटर का जंगल का ट्रैक है जो कि घने जंगल से होकर जाता है। और जब आप इस ट्रैक के एंड पर पहुंचते हैं तो वहां से आपको टिहरी डैम का व्यू दिखाई देता है और उसके चारों तरफ बसे गांव दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे पड़ते हैं। कोड़िया जंगल के अंदर आप बाइक से भी जा सकते हैं, पर हमारा सजेशन है कि आप इसके अंदर वॉक करके जाएं, आप इस जंगल को फुली इंजॉय कर सकें। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो आप कनाताल में जंगल सफारी का लुफ्त उठा सकते हैं या फिर उसी जंगल के अंदर आप वॉक करके भी जा सकते हैं। यह बड़ा ही डेंस जंगल है जो कि देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। इसमें जाने के लिए आपको 20 रुपये का पर पर्सन चार्ज पे करना होगा, बट आप इस जंगल में भी अंदर जाके फुली इंजॉय करेंगे। इसके बाद अगला प्रमुख स्थान है सुरकंडा देवी टेम्पल, जो कि कनाताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। बता दें कि जब भोलेनाथ माता सती के शव को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तो माता सती का सर यहाँ पर गिर गया था, जिसके बाद से इस मंदिर में माता सती के सिर वाले भाग की पूजा होती है। इस मंदिर का ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का है, और मंदिर पर पहुंचने के बाद यहां से हिमालय का 360 व्यू दिखाई देता है जो कि आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सुरकंडा देवी टेंपल दर्शन करने के बाद वहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी धनौल्टी पड़ेगा, जिसके व्यू पॉइंट लगभग कनाताल के बराबर ही। अगर आप उसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। कनाताल घूमने के बाद आप टिहरी डैम कवर कर सकते हैं जो कि कनाताल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। यह भागीरथी नदी पर 261 मीटर की ऊंचाई पर बना है। अब बात करते हैं कि आप कनाताल कैसे पहुंच सकते हैं। तो कनाताल जाने के 2 रास्ते हैं, पहला देहरादून से मसूरी होते हुए, मसूरी से धनौल्टी होते हुए आप कनाताल पहुंच सकते हैं, और दूसरा रास्ता जो है ऋषिकेश से चंबा होते हुए कनाताल पहुंचता है। देहरादून से कनाताल की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और ऋषिकेश से कनाताल की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है। अगर खाने पीने की बात करें तो कनाताल में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मगर यहाँ के छोटे रेस्टोरेंट में आपको इंडियन और चाइनीज खाने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ रुकने की बात करें तो यहाँ पर कैंप और होटल भी अवेलेबल है जिनका किराया लगभग 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।